तो गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट अप। और हम एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ नई शुरुआत कर रहे हैं, जहां पे वी विल बी डूइंग व्लॉगिंग अपने ट्रेड्स का। तो एज यू कैन सी, दिस इज योर फेवरेट अडानी एंटरप्राइजेस ऑन अ डेली चार्ट। अडानी इस समय बहुत ही तगड़ा रॉकेट बना हुआ था और यहाँ पे एक्सपेक्टिंग अ लॉन्ग अनवाइंडिंग आफ्टर दिस डेली इनसाइड बार का जो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है ना, इसके बाद से एक लॉन्ग अनवाइंडिंग के एक्सपेक्टेशन इसके अंदर पे। सो ये ट्रेड पैन बनाया गया था कि अगर हमको इस रेड जोन के आसपास पे, CPR प्लस रेड जोन के आसपास पे अगर हमको रिजेक्शन मिलेगा तो हम इसको शॉर्ट करेंगे, अगर हमको यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा तो हम इसको शॉर्ट करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो हम लोग को एक अच्छा खासा रिजेक्शन यहाँ पे दिखा था। सो दिस इज द प्लेस जहाँ पे ट्रेड लिया गया। एज यू कैन सी यहाँ पे अडानी ENT है, 3800 का PE लिया गया है बिकॉज लॉन्ग एंड वाइंडिंग की एक्सपेक्टेशन इसके अंदर पे। सो अडानी की ये ट्रेड है। लेट्स गो टू अदर ट्रेड जो कि दिया गया था, दैट इज टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में ये सबसे पहले डेली चार्ट हम लोग देखते हैं। डेली चार्ट पे प्राइस फ्लो इज बेरिश। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक जोन है यहाँ से मार्केट ने उसके ऊपर जाने की कोशिश करी थी, स्ट्रक्चर तोड़ के नीचे आ गया, 50 बैंड्स के आसपास ही टहल रहा है और एक बड़ी बड़ी मतलब एक विक के साथ डिसलरेशन बना रहा है। सो अभी टेस्ट क्वांटिटी इसके अंदर मारा गया है निफ्टी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डेली में इसने डबल टॉप करा हुआ है और डेली में ये ज़्यादा वीक है। बैंक निफ्टी के मैक्सिमम स्टॉक इस टाइम पे ऑल टाइम हाई पे है, दैट इज़ वह हम लोग निफ्टी में करेंगे। सो निफ्टी का भी जो ट्रेड प्लान है सिंपल है। यहाँ पे जो ये ब्लैक जोन है, दिस वाज द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन थी, इसी नेक लाइन पे मार्केट वापस से सपोर्ट ले रही है। सो अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, CPR से अभी दो बार रिजेक्शन आ तो रहा है CPR, और अब की बार CPR के साथ साथ यहाँ पे जो लेवल है ना, दैट इज़ ऑल्सो इनिशियल बैलेंस का हाई है। सो अगर एक थोड़ा सा इनिशियल बैलेंस FBO मिलता है ना अपने को, तो यहाँ पे शॉर्टिंग का ट्रेड प्लान बनाएंगे या फिर जो अपना जो सपोर्ट का ब्रेकडाउन देता है तो फिर शॉर्ट करने का ट्रेड प्लान बनाएंगे। मानस भाई, तुम्हारे पास कोई ट्रेड प्लान? ट्रेड प्लान फिलहाल के लिए तो अगेन निफ्टी बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, स्टॉक्स में रिलायंस इज वेरी मच क्लियर। ये तुम्हारा अडानी भाई बढ़िया चल रहा है, चीजें चलती हैं अच्छी। तो यहाँ पे हम लोग देखें डेली चार्ट में, कल रिलायंस के बारे में बात हुई थी यहाँ पे मिड वीक मार्केट रिव्यू में। सो व्हाट वी कैन सी इज कि अगर ये इंट्राडे टाइम फ्रेम पे अगर एक लोअर हाई बनाने को कंफर्म किया, तब जाके एक फ्लैग का रीटेस्ट हो रहा है। 30 मिनट है ये, देखो यहाँ पे क्लियरली एक फ्लैग का रीटेस्ट है, इम्पल्सिव लेग है, फ्लैग है। अगर ये यहाँ से वापस नीचे जाना शुरू करता है तो इंडेक्स, आई फील कि इससे बेटर ना इंडेक्स सबसे पहले ज्यादा नीचे जाएगा, हमें इंडेक्स में पहले अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी रादर देन रिलायंस। एंड निफ्टी बैंक निफ्टी साथ में चल रही है, एक लोअर हाई की फॉर्मेशन हो रही है। बट अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 41,200 गया और निफ्टी में भी अपना लोअर हाई बन गया, देन आई फील लंबा एक अच्छा 200-300 पॉइंट तक का फॉल अपने को मिलना चाहिए। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन है कि बैंक निफ्टी में अगर कम से कम नहीं तो 500-700 पॉइंट का फॉल हमारे लिए पड़ा हुआ है। आज आए, कल आए, परसों आए, बट हमको एक फॉल जरूर मिलेगा, दिस आई एम श्योर ऑफ। गाइस, द ट्रेड इज ओवर और ऑप्शन बाय करा हुआ था, पुट बाय करा हुआ था। द मेन रीजन अबाउट द पुट बाय इज मार्केट बहुत ओवर एक्सटेंडेड हो रखी थी, एक लॉन्ग अनवाइंडिंग आती तो जितने भी लेट बायर्स थे वो सारे के सारे ट्रैप हो जाते। एक इम्पल्सिव लेग आ चुकी है यहाँ पे, जो अपनी थीसिस थी वो सही हो चुकी है कि मार्केट में बेयर्स आ चुके हैं, बेरिश लॉन्ग आ चुके हैं, तो थीसिस हैज बीन स्टैंडिंग करेक्ट। जो हम लोगों की TM गोल्ड की मंथली फीस है दैट इज अराउंड 2,000 रुपीज, बट यहाँ पे 28 मंथ्स ऑफ TM गोल्ड मेंबरशिप एक लॉट पे हो चुका है, एक ट्रेड से एक लॉट पे हो चुका है, जस्ट बिकॉज टाइमली अपडेट्स दिया गया था। सो टाटा कंज्यूमर ऑन अ सेकेंड ट्रेड, टाटा कंज्यूमर इट इज ऑल राइट, अभी ठीक ठाक चल रहा है, बजाज फाइनेंस की स्ट्रैंगल है। यार बड़े टाइम के बाद ऑप्शन के पैसे खा के कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है मानस। अभी कैलकुलेट कर रहा है कि अगर सिर्फ और सिर्फ बैठे होते, ना देख रहे होते, 100% प्रीमियम इंक्रीज हो गया था, ऑलमोस्ट टारगेट हुई था। बट अगर नहीं बुक करा होता तो करेंटली 40,000 रुपये और बनते, तो मतलब 40,000 और बनते, मतलब 140% प्रॉफिट रहता। yes, चलो कोई नहीं, पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन यार ये ऑप्शन का पैसा ना, मतलब अच्छा तो लगता है जब आता है, बट राइट टाइम। आपको यहाँ पे ऑप्शन बाय क्यों किया गया था? हम लोग डेली ऑप्शन बायर है नहीं, हम लोग ऑप्शन सेल करते हैं, हम लोग फ्यूचर्स में काम करते हैं। बट ऑप्शन बाय क्यों करा गया था? पहले क्या था, हर दिन आते तो ऑप्शन बाय करते थे, बट नाउ वी नो व्हेन टू बाय ऑप्शन, व्हेन टू सेल ऑप्शन। और वो तो रहा अडानी ENT का ट्रेड, बट उसके साथ साथ हमने जस्ट अभी डिस्कॉर्ड पे मेंबर्स को एक और ट्रेड दिया है, विच इज एडिंग 33% क्वांटिटी इन बैंक निफ्टी 4,000
500 की शॉर्ट्स अभी जस्ट 33 ऐड किया है, बिकॉज यहाँ पे बैंक निफ्टी अपने आप देख रहे हैं एक सपोर्ट पे ब्रेक करने को जा रही है। एक अच्छा प्राइस एक्शन की डेवलपमेंट ऑलरेडी हमको दिख गई है। द सपोर्ट इज अबाउट टू ब्रेक इन बैंक निफ्टी एंड इसी के साथ में जो पोजिशन है वो पूरी तरीके से ऐड कर दी गई है। एज यू कैन सी कि ऑलमोस्ट जो पोजीशन लेनी थी वो सारी ऐड कर दी गई है। एक बार जब हमने पोजीशन ले ली तो इसके बाद सिर्फ टाइम ये बचता है कि भाई बैठो, TSL लगायो, बैठो, ऑब्जर्व करो कि कितने इंटेंसिटी से सेल आ रहा है, क्या आज बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। मार्केट में अभी इसी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी एक पुल बैक आया है एंड बात यह है कि पुल बैक्स आर हेल्दी, ये हम लोगों को हेल्प करते हैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए। सो अभी इसके अंदर भी पुल बैक आया हुआ है निफ्टी में, निफ्टी की 17400 की जो कॉल शॉर्ट कॉल शॉर्ट चल रही थी ITM फुल क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, 400 क्वांटिटी शॉर्ट कर दिया है। सो करेंटली अभी यहाँ पे देखेंगे कि अपने 5 मिनट के 200 मूविंग एवरेज पे मार्केट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रही है और वही स्ट्रक्चर भी कल का लोज भी उसी के आसपास ही थे। सो वॉचिंग दिस लेवल, अगर ये ब्लैक जोन तोड़ता है ऊपर की ओर और उसको रिटेस्ट करके एज अ सपोर्ट करे ट्रीट करता है तो डेफिनेटली इसको हटाना पड़ेगा। इस लेवल से बोला था कि मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन लेगी इस पूरे अपने रेजिस्टेंस जोन से, तो इसको पोजिशन को होल्ड करेंगे। ऑल्दो अभी भी इसके अंदर पे ज़्यादा डीके आया नहीं है, केवल और केवल 2-3% का डीके है, तो अभी क्लोजिंग पे क्या होता है नहीं पता। तो आई गेस कुछ पार्शियल हेजिंग करके जाना पड़ेगा क्योंकि इवेंट भी है और ITM शॉर्ट चल रहा है और अच्छी खासी फुल क्वांटिटी के साथ शॉर्ट चल रहा है, 400 क्वांटिटी शॉर्ट है यहाँ पे। सो इसकी वजह से आई हैव टू टेक केयर ऑफ द रिस्क, क्योंकि अगर रिस्क केयर करेंगे तो रिवॉर्ड तो अपने आप ही बनेगा। सो अभी बज रहे हैं 3:19 और अब मार्केट के अंदर क्लोजिंग का टाइम आ रहा है और अच्छी खासी फॉल आई नहीं है। जो 358 पे बेचा गया था इस समय 353 पे चल रहा है, तो ऑलमोस्ट एट ब्रेक इवन पे ही है। दैट इज़ वाई पार्शियल हेजिंग बाय करेंगे, पार्शियल हेजिंग के लिए देख रहे हैं क्या बाय करा जाए। सो ये जो कल का CPR है 17800 के आसपास पे, CPR 17800 के आसपास का जो कॉल होगा 17850 या 17800 का, इस कॉल को पार्शियल यानी 400 अगर हमने सेल कराया तो लगभग 250 के आसपास पे बाय करके लेके जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द इवेंट। इवेंट नहीं होता तो इसको 2:1:2 के रेशियो पे इसको लेके जाते, बट सिंस इवेंट है, इवेंट में कुछ भी हो सकता है, इवेंट में वी आर गोइंग जस्ट ब्लाइंड। सो गाइज देख सकते हैं कि आफ्टर फेड मीटिंग मार्केट हैज़ गैप डाउन, बट जो गैप डाउन हुआ है वो हुआ है ठीक वर्जिन CPR पे। आप देख सकते हो ये वर्जिन CPR है परसों का, एक दिन पहले का जो वर्जिन CPR होता है उसको हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे ये भी एक तरीके से वर्जिन CPR था, ये एक तरीके से वर्जिन CPR था। और वर्जिन CPR से भी जो इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे, अगर आप देखोगे इसको, अगर हम लोग एक्सटेंड करें इस लाइन को, अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड करें तो यहाँ पे एक प्रीवियस सपोर्ट्स यहाँ पे दिख रहे थे, दैट इज़ वाई यहाँ पे जो ट्रेड थी उसको क्लोज कर दिया है। और जो कल की जो पोजिशंस थी 17,400 पे 41,200 का प्रॉफिट हुआ है, बट जो 17,800 का 3:4 का हेज मैंने बाय करा हुआ था उसके अंदर पे 18,000 रुपये का लॉस हुआ है। सो ओवरऑल इट्स अ फाइन डे भाई, गैप डाउन पे मार्केट, इवेंट थी, इवेंट वाले दिन पे यू आर मेकिंग मनी। आपका एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती, इस वर्जिन CPR के लेवल के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन खुलती तो यहाँ से इस ट्रेड को राइड करा जा सकता फॉर दिस ब्लू लेवल, बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट यहीं पे खुली, ठीक सपोर्ट के मुंह पे खुली। अब मार्केट यहाँ से चाहे जो करे, वी डोंट केयर अबाउट द मार्केट, वाई, बिकॉज वी हैव मेड मनी, वी हैड गॉट द बॉटम, यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ पे काटा गया था, फिर यहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ पे काटा गया था। तो इस तरह के मल्टीपल ट्रेड्स छोटी छोटी मिली हैं, कोई सिंगल डायरेक्शन पे एक लंबी ट्रेड मिली नहीं मार्केट की अदर देन अडानी एंटी। सो लेट्स सी अगर अपने को यहाँ पे वापस इस ब्लैक जोन पे सेलिंग करने का मौका मिलता है तो हम लोग उसको भी ट्रेड ले सकते हैं, बट आज निकलेंगे बैंगलोर के लिए। तो ट्रेड चल रही थी, उसकी एग्जिट आ चुकी है और फेड का इवेंट कम्प्लीट हो गया। 75 बेसिस पॉइंट से फेड ने अपना इंटरेस्ट रेट को हाइक करा हुआ है और एक ट्रेड चल रही थी उसके अंदर पे निफ्टी शॉर्ट था हमारा, मानस का बैंक निफ्टी शॉर्ट था। अभी दिखाते हैं उसमें क्या क्या हुआ। सो कल की डेट पे जब इसका ब्रेकडाउन हुआ था, हम लोगों का 17,400 का जो 17,750 का जो लेवल था, इनिशियल बैलेंस लो भी था, प्रीवियस डे लो भी था, और साथ ही साथ में ये जो पूरा जोन ब्लैक कलर का है वो एक इंट्रा डे का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन भी थी। तो जब इसका ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ पे एंट्री थी, और एंट्री होने के बाद पे आज जैसे ही मार्केट में एक गैप डाउन हुआ,
फेड की बेसिस, फेड की मीटिंग की वजह से, बट जैसे ही इसमें रिकवरी आई वी हैव टू बुक आवर प्रॉफिट्स एंड दीज आर द प्रॉफिट्स। 17,400 का प्रॉफिट, 17,400 की कॉल बेचा हुआ जिसमें 41,200 का प्रॉफिट है एंड 17,800 की कॉल उसको 3:4 रेशियो में हैच करी गई थी जिसमें 18,000 रुपये का लॉस है। सो ओवरऑल इन ऑल इसके अंदर पे 23,000-24,000 का प्रॉफिट हुआ होगा और द रिस्क वॉज अराउंड 1 आवर, मतलब इसमें 1 आवर का ही प्रॉफिट हुआ है। और कुछ और ट्रेड्स भी ली गई थी जिसके बारे में क्विक अपडेट दे देते हैं आप लोगों को। जब फर्स्ट ट्रेड वॉज टाटा कंज्यूमर में काफ़ी बढ़िया कल से शॉर्ट था, मिड वीक मार्केट रिव्यू बोला हुआ था टाटा कंज्यूमर को शॉर्ट करने के लिए। लेट्स गो टू 30 मिनट, तो काफ़ी बढ़िया इसमें एक ब्रेकडाउन आया था, काउंटर डिजाइन का भी ब्रेकआउट हो गया था, अच्छी खासी एंट्री चल रही थी, 2% का आज फॉल भी था, बट ऑन डेली चार्ट यू कैन सी कि पूरा टू टीडीएल पूरा जोन को रिजेक्ट करते हुए मार्केट एक अच्छी खासी रिकवरी दे दिया है। सो टाटा कंज्यूमर हैड टू क्लोज अ टाटा कंज्यूमर में एक ब्रेक इवन स्लाइटली प्रॉफिट में आया है। और सेम थिंग विथ हीरो मोटोकॉप को शॉर्ट करा हुआ था, एक प्राइस फ्लो बेरिश था, हीरो मोटोकॉप भी काफ़ी नीचे गया था, 1.7% का नीचे आया था, बट अगेन इट शोड रिकवरी, अभी भी अच्छे लोकेशन पे, बट वी आर गोइंग टू बैंगलोर, मानस इज देयर, सो वी आर गोइंग टू, खाना भी आ गया, वी आर गोइंग टू बैंगलोर। और कुछ शॉर्ट पोजिशन लेके जाने का सेंस नहीं बनता जैसे बिकॉज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डिकपल हो चुका है दाव से और अच्छी खासी रिकवरी दिखा रहा है। डिस्कॉर्ड है, जो भी पोजिशन थी इसके अंदर पे वी हैव अपडेटेड इन टाइम, आप देख सकते हो। निफ्टी की पोजीशन शुरू करते हैं, निफ्टी जब इसको बुक करा था सो देख सकते हो 9:22 पे बोल दिया ओवर एंड आउट, निफ्टी के जो प्रॉफिट्स थे वो इधर पर डाल दिए थे, ओवर एंड आउट कर दिया गया था। और फिर उसके बाद पे जो अभी एग्जिट्स हुई हैं ऑन हीरो मोटोकॉप में 2:24 अभी एयरपोर्ट पे चेकिंग करने के बाद पे एग्जिट जो हुआ है वो दिखाया है टाटा कंज्यूमर। तो जो भी है यहाँ पे टाइमली अपडेट है यहाँ पे आप लोगों का शेयर कर दिया जाता है। सो दिस इज फ्रॉम अस, मानस भाई हाई कर दो, ट्रेडिंग के नशे चल रहे हैं यहाँ पे और सीन ओवर हो गया है। वी आर गोइंग विद 0 पोजीशंस ओनली, HSCL लॉन्ग चल रहा है इस टाइम पे करेंटली, और बाकी देखेंगे रात में जाके एनालिसिस करके देखा जाएगा कल कहाँ पे क्या ट्रेड करा जा सकता है। दिस व्लॉग्स एंड शेयर, और कल से काफ़ी एक्साइटिंग टाइम शुरू होने जा रहा है ट्रेडर्स कॉन्क्लेव इन बैंगलोर, बहुत नए बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। कुछ लोगों से 2-3 घंटा फोन में बात हुई बट कभी मुलाकात नहीं हुई, उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और इन्जॉय करते हैं कल का दिन।